दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस जीतते जीतते हरियाणा में कैसे हार गई, आज भी आसानी से इस बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन हमारे यकीन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बावजूद इसके अब चिंतन मनन तो चल ही रहा है, ये तो हर स्तर पर सोचा जा रहा है कि कांग्रेस आखिर जीती हुई बाजी हारी तो कैसे हारी। हम इस पर एक तरीके से सीरीज कर रहे हैं, कई स्टोरी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज और हमारी ये एक स्टोरी है, वीडियो है कि कांग्रेस हारी तो क्यों हारी, उस पर ये मेरी आज की स्टोरी है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, मैं एक कारण, बहुत बड़ा कारण आपको बता रहा हूं कि जिससे दर्जनों सीटें कांग्रेस को गंवानी पड़ी। अब आप सोचेंगे भी दर्जनों सीटें कांग्रेस ने गंवाई तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि वो दर्जनों सीट गंवाती और जीतती पारी को हार में बदल देती। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात। कांग्रेस ने दर्जनों सीटें गलत लोगों को दी, कमजोर उम्मीदवारों को दी, ऐसे उम्मीदवारों की दी जिनकी जनता में कोई पहचान नहीं थी, और ऐसे उम्मीदवारों की अनदेखी की जो कांग्रेस को वो सीट जीत कर कांग्रेस की झोली में डाल सकते थे और कांग्रेस को सत्ता में ला सकते थे। कम से कम ऐसी एक दर्जन सीट है। मैं सबका उदाहरण दूंगा तो बड़ा मुश्किल है, लंबी हो जाएगी वीडियो, अलग अलग से करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूं और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको आंकड़े दिखाकर ये बताऊंगा कि वहां वास्तव में टिकट सही जीतने वाले उम्मीदवारों को नहीं दिए। तो पहला जो उदाहरण मेरे सामने है वो है तिगांव। दोस्तों, तिगांव से जो जिताऊ उम्मीदवार थे, जो पहले भी कांग्रेस के एमएलए रह चुके थे, ललित नागर की टिकट कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी के चलते हुए काट दी। ललित नागर कि टिकट तो काटी, लेकिन उनको मनाने का और उनको बिठाने का काम भी नहीं किया गया कि भाई आपको बाद में देख लेंगे और अब आप जो जिस उम्मीदवार को हमने टिकट दिए उसकी मदद करो। लेकिन इसकी भी परवाह कांग्रेस हाईकमान ने नहीं की, क्योंकि वो तो हवा हवाई थी, वो तो सोच रही थी कि कांग्रेस की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, सुनामी आ रही है, तो कांग्रेस का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो हवाई हवाई सपने ले रहा था कि हम तो जीते पड़े हैं, कांग्रेस की आंधी चल रही है, हमें किसी की परवाह नहीं है। लेकिन दोस्तों, धरातल पर ऐसा नहीं था, जमीन पर ऐसा नहीं था। और उसका उदाहरण है कि तिगांव सीट की मैंने जो आपको वोट दी, जो ललित नागर पहले कांग्रेस के विधायक थे, ललित नागर ने विद्रोही उम्मीदवार के रूप में खड़े होकर 56,828 वोट प्राप्त किए तिगांव सीट पर, और जिसको कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया रोहित नागर। दोस्तों, रोहित नागर का चुनाव
शुरू होने से पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था। रोहित नागर की जनता में कोई पहचान नहीं थी, तिगांव क्षेत्र में, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कोई पहचान नहीं थी। वो जनता के बीच में कभी देखा नहीं गया, उसने कभी प्रचार नहीं किया था। तो और ललित नागर 24 घंटे कांग्रेस नेता के रूप में, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के भावी उम्मीदवार के रूप में 5 सालों से काम कर रहा था और उसकी टिकट काट दी गई। लेकिन गुस्से में ललित नागर ने आजाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और क्षेत्र की जनता ने काफ़ी हद तक उसका साथ दिया और उसको 56,828 वोट मिले, यानी कि उस क्षेत्र की कुल वोटों का 27.9% लगभग 28% वोट ललित नागर को मिले। जबकि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार रोहित नागर को सिर्फ 10.6% वोट मिले, और जो यदि हम कुल वोट की बात करें तो 21,656 वोट मिले। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, ललित नागर को 56,828 वोट मिले और रोहित नागर को उससे आधे से भी कम वोट मिले, यानी कुल 10%। और रोहित नागर 72,573 वोटों के शर्मनाक अंतर से कांग्रेस को हराया, इस सीट पर कांग्रेस को शर्मनाक तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये था जो मैंने एक कारण बताया कि हार का कारण कांग्रेस की। अब हम दूसरी सीट पर चलते हैं, बल्लभगढ़ सीट ऐसी थी कि उस पर जो कांग्रेस की पूर्व विधायक थी शारदा राठौर, उसकी क्षेत्र में, बल्लभगढ़ क्षेत्र में जनता में अच्छी पकड़ है, महिलाओं में जबरदस्त पकड़ है, और वो वर्षों से इस क्षेत्र में, बल्लभगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए थी। लेकिन दोस्तों, एंड टाइम पर गुटबाजी के चलते और हाई कमान को अंधेरे में रखते हुए शारदा राठौर का टिकट काटा गया और उसकी जगह भी एक अन्य ऐसी उम्मीदवार पराग शर्मा, जिसका कहीं नामो निशान नहीं था राजनीति के क्षेत्र में, उसको लोग जानते नहीं थे बल्लभगढ़ क्षेत्र में, कहीं वो कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दी, लेकिन अचानक क्यों और कैसे एक अनजान चेहरे को, जिसकी बल्लभगढ़ की विधानसभा क्षेत्र में कोई पहचान नहीं थी, उसको टिकट दिया गया और शारदा राठौर का टिकट काट दिया गया और शारदा राठौर भी विद्रोही उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई। शारदा राठौर को भी मनाने का काम नहीं किया और नतीजा निकला कि शारदा राठौर को 44,076 वोट बल्लभगढ़ विधानसभा में पड़े और पराग शर्मा को मात्र 8,674 वोट पड़े और कुल वोटों का 5.9% और हार का अंतर 53,132 वोट। जबकि मैंने आपको बताया, शारदा राठौर का टिकट कटने के बावजूद शारदा राठौर को 44,076 वोट मिले। तो ये मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ आपको, और ऐसे जो है लगभग एक दर्जन उदाहरण हैं जिसमें गलत टिकट वितरण से कांग्रेस को लगभग एक दर्जन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। और यदि एक दर्जन सीटें
इन पर सही लोगों को टिकट दी जाती तो आज कांग्रेस का हरियाणा में मुख्यमंत्री होता और कांग्रेस की सरकार होती। जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे ही कांग्रेस ने जो गुनाह किए, कांग्रेस हाईकमान ने जो गुनाह किए या निचले स्तर पर जो गुनाह हुए उनका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है और कांग्रेस को जीतते जीतते हार का मुंह देखना पड़ा है। जो हवाई सपने ले रही थी, हवा में कांग्रेस उड़ रही थी, हम तो जीत रहे हैं, हम तो हमारी तो आंधी चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत को वो पहचानने में नाकामयाब रही और इसलिए उसको हार का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि ये फरीदाबाद की जो दो सीटों का मैंने अंतर आपको वो दिखा बताया वही एक दर्जन सीटें ऐसी पूरे हरियाणा में हैं। मैं उनका फिर बाद में कभी जिक्र करूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो, लेकिन कारण लब लुभाव यही है कि गलत टिकट वितरण से कांग्रेस को कम से कम एक दर्जन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल किसी नए मुद्दे पर नए एपिसोड में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।